जी हाँ दोस्तों, तलाक की खबरों के आने से पहले शिखर धवन अपने परिवार को लेकर कुछ न कुछ नया पोस्ट करते रहते थे इंस्टाग्राम पर। लेकिन जब से तलाक की खबरें सामने आई हैं तब से दोस्तों इनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे वहां पर इनके अकेले की तस्वीरें वीडियोस देखने को मिलेंगी। इनका परिवार कहीं ना कहीं बिखरता नजर आया है। लेकिन आप सभी को बता दें कि कई लोगों का काफ़ी हद तक ये मानना है कि शिखर धवन का बेटे जोरावर उनकी ही कार्बन कॉपी है। यहाँ तक कि खुद शिखर धवन ने एक बात कही थी, द एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, यानी कि उनका मतलब था कि सेब पेड़ से दूर नहीं गिरता, यानी बेटा पिता से अधिक अलग नहीं होता, उनकी ही शक्ल उनके ही गुण बेटे के अंदर आते हैं। तो शिखर धवन का बेटा जोरावर बिल्कुल उनकी कार्बन कॉपी की तरह है। बता दें कि शिखर धवन ने अपने से अधिक उम्र की आयशा मुखर्जी से शादी की थी। जोरावर का जन्म साल 2014 में हुआ था। शिखर अक्सर बेटे और बेटों के साथ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते थे जब तक इनकी तलाक की खबरें सामने नहीं आई थी। लेकिन तलाक की खबरें सामने आने के बाद से ही दोस्तों इनके इंस्टाग्राम पर इनके अकेले की वीडियोस, टीम इंडिया के साथ की वीडियोस, आईपीएल में दोस्तों अपने साथियों के साथ की वीडियोस ही देखने को मिली है। जोरावर के साथ इन्होंने आखिरी बार कब बातचीत करी थी इसको लेकर भी कोई अपडेट सामने नहीं आया है। साथ ही साथ आयशा मुखर्जी कहाँ किस हाल में है अपनी बेटियों के साथ ये भी अपडेट नहीं है। ये बात तो तय है कि इस समय आयशा मुखर्जी के साथ ही जोरावर है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, क्योंकि शिखर धवन यूएई के मैदानों पर हैं दोस्तों। वहां पर इंडिया के मुकाबले देखते नजर आए थे पाकिस्तान के खिलाफ जो था, तो मतलब शिखर धवन इस समय अपने बेटे से दूर हैं। लेकिन कार्बन कॉपी हैं दोस्तों, आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं जैसे शिखर वैसे ही जोरावर। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स की रिपोर्ट। लेकिन दोस्तों एक और अपडेट है जो आपको प्रोवाइड करा दे कि ये तो खबर आई थी कि इनका तलाक हो रहा है, खबरें ये थी जो आयशा मुखर्जी की पोस्ट थी। लेकिन काफ़ी लोगों के मन में यह सवाल था कि जोरावर किसके साथ रहेगा। तो आपको बता दें कि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक आयशा मुखर्जी के साथ जोरावर है, क्योंकि आईपीएल के रोमांचक मुकाबलों में शिखर धवन व्यस्त थे, आयशा के साथ जोरावर था और तस्वीरें भी काफ़ी सामने आई थी, आयशा ने खुद ही पोस्ट की थी। वहीं शिखर धवन यूएई के मैदानों पर व्यस्त थे। तो ये एक रोमांचक पोस्ट है, जानकारी थी जो आपको देनी थी। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।